दुष्ट, किसने मेरे आराध्य के धनुष को भंग करने का दुस्साहस किया है? जनक, कहाँ है वो महापापी? प्रभु, अब कोई लाभ नहीं जनक, क्योंकि आज जो इस सभा में हुआ है उसके पश्चात मेरे चरणों में तो क्या, साक्षात महादेव के चरणों में गिरकर भी क्षमा मांगोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। मैंने अपने आराध्य महादेव का ये दिव्य धनुष तुम्हें इसलिए सौंपा था कि तुम एक धरोहर की भांति इसकी रक्षा करोगे, परंतु रक्षा करना तो दूर, आज तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी सभा में इस दिव्य धनुष को भंग कर दिया गया, इसलिए तुम भी दंड के भागी हो जनक। ये जनक तो केवल आपके आशीर्वाद का अभिलाषी है, मिथिला का सौभाग्य है कि आज इसे आपकी चरण धूल मिली। प्रभु, मेरा यहां आना मिथिला के लिए, मिथिला वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। यह संपूर्ण धरती के क्षत्रियों के लिए दुर्भाग्य की बात। इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही मिल जाएगा, परंतु उससे पूर्व मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, किसने किया ये दुस्साहस? मेरे परशु की थार उसके रक्त से स्नान करने को व्याकुल है। आपका क्रोध अकारण है ऋषिवर, धनुष सदा विच्छेद का कारण बनता है, दो राज्यों के बीच युद्ध में प्रयुक्त उनके विभाजन का कारण, तो कभी किसी शरीर से उसके प्राणों को विच्छेद करने का कारण। परंतु आज एक धनुष के टूटने से दो राज्यों और दो परिवारों के बीच एक अटूट बंधन हुआ है, तो फिर इसके टूटने से क्रोध कैसा? इतिहास इस धनुष को इसके महान कर्म के लिए सदैव स्मरण रखेगा। माता का आंचल अभी छूटा नहीं, परंतु फिर भी समस्त धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम से तर्क करने चले हो? कौन हो तुम मूर्ख बालक? आश्चर्य है आप मुझे बालक कह रहे हैं, किंतु बालकों जैसा क्रोध तो आप स्वयं दिखा रहे हैं। शांत हो जाओ लक्ष्मण। नहीं भैया, एक अभिमानी का अहंकार आपने तोड़ा है, अब दूसरे अभिमानी का अहंकार तोड़ने का अवसर आप मुझे दीजिए। संसार ने 21 बार इनके परशु की धार देखी है, किंतु आज लक्ष्मण नामक ढाल की शक्ति का ज्ञान इन्हें होना आवश्यक है। जब जब आपने कहा मैं मौन रहा, किंतु कि लक्ष्मण के समक्ष उसके बड़े भाई का सर काटने की बात करे, मैं ये सहन नहीं कर सकता। तो तुम हो जिसने ये दुस्साहस किया है? हाँ, ये है मेरे ज्येष्ठ दशरथ नंदन श्री राम, जिनके हाथों में आकर यह धनुष पुष्प की तरह कोमल हो गया और अपनी प्रत्यंचा तक भी न सह सका। लक्ष्मण, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं देव। लक्ष्मण आपको जानता है,
किंतु पहचानता नहीं। उसे जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप उसे क्षमा कर दीजिए। भला मैं आप जैसे महान व्यक्ति से तुलना कैसे कर सकता हूं? मैं केवल राम हूं और आप परशुराम। आपके इस परशु के अतुल्य बल का सामना मैं कैसे कर सकता हूं? दे शब्दों की आड़ लेकर मुझे प्रसन्न करने और अपने दोष को धोने का प्रयास मत करो राम। आप मुझसे बड़े और आपका क्रोध भी बहुत बड़ा है। मैं और मेरी भूल बहुत छोटी सी है, किंतु आप ही बताएं, यदि किसी अस्त्र को लंबे समय से प्रयोग में ना लाया जाए तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और महादेव का यह दिव्य धनुष शताब्दियों से प्रयोग में नहीं लाया गया और मेरे स्पर्श मात्र से टूट गया, किंतु मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। देव पहले मेरे आराध्य शिव के इस धनुष को भंग किया तुमने और अब मेरा ही परिहास कर रहे हो। कैसे मान लो कि जिस महाशिव दिव्य धनुष को सैकड़ों गजों का बल रखने वाले बलशाली योद्धा उठा तक नहीं पाए, उसे तुम जैसे साधारण बालक ने अपने स्पर्श मात्र से भंग कर दिया। जिस दिव्य धनुष के भंग होने का नाद मुझे महेंद्र पर्वत तक सुनाई दिया, उसे तुमने एक तिनके की भांति उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और भंग भी कर दिया। नहीं स्वीकार मुझे। जिस पर आरोप लगते उसे स्पष्टीकरण देने का पूर्ण अधिकार होता है। ये मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे मेरा पक्ष रखने का एक अवसर अवश्य दें। उचित है, अवसर दिया। ये धनुष मेरे पिता को स्वयं जगत पिता नारायण भगवान विष्णु ने दिया था। इसकी शक्ति और बल भी महादेव के दिव्य धनुष की भांति ही है। इसे लो। जो आज्ञा दी। रुको, पहले सुन तो लो कि तुम्हें करना क्या है। इस वैष्णव दिव्य धनुष पर बाण संधान करना होगा तुम्हें। रुको, उस बाण से नहीं, इस बाण को साधो और ये सिद्ध करो कि वो तुम ही हो जिसने मेरे आराध्य महादेव के उस दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे भंग किया, अन्यथा मैं आज राजा ऋषि जनक की सभा में मुझसे झूठ बोलने के आरोप में तुम्हें मृत्युदंड दूंगा।
हे राम, इस बाण को साध कर आपने मेरे नेत्रों को वो दिखा दिया जो कदाचित क्रोधवश में देख नहीं पा रहा था। आपके बल, आपके सामर्थ्य पर संदेह किया, मुझे क्षमा करें। मैं आश्वस्त हुआ, किंतु मेरी दुविधा को कौन दूर करेगा देव? मैं रघुकुल का वंशज हूं, मुख से निकले वचन और वैष्णव धनुष पर चढ़ा ये बाण आज खाली नहीं जाएगा। आपके कहने पर ही मैंने इस धनुष पर अपना बाण साधा है। अब आप ही बताएं, क्या लक्ष्य दूं मैं इसे? या तो मैं आपके तीव्र आवागमन के वर पर इसे चलाकर उसे नष्ट कर सकता हूं, अथवा आज तक आपके द्वारा किए गए तपोबल से अर्जित आपके पुण्यों का अंत कर सकता हूं। अब आप ही बताएं देव कि कहां संधान करे राम अपना बाण। हे राम, यदि आप मेरी तीव्र गति से आवागमन करने की शक्ति को नष्ट न करें तो मैं पुनः महेंद्र पर्वत पर जाकर अपनी तपस्या आरंभ करूंगा। मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप इस बाण को मेरे द्वारा आज तक अर्जित तपोबल पर संधान करें, क्योंकि वैसे भी आपको साक्षात देखने का पुण्य संसार के हर तपोबल से बढ़कर है। जैसी आज्ञा दी।